Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. So myself Dr. Gunjan Goyal. So let's start with our part 4 video of chapter number 1, that is chemical reactions and equations. So this is the chapter number 1 of your class 10th. So hum iski teen parts already kar chuke hain. Agar hum un parts ki taraf dekhe to humne basically abhi tak kiya tha ki chemical reactions kya hoti hain, chemical reactions ko dekhne ke liye aap क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस आपके आसपास हो रही हैं, देन केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है. सो ये अभी तक हम कर चुके हैं. नाउ लेट्स सी कि टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कितनी तरह की होती है. सो बेसिकली देयर आर सो मेनी टाइप्स, बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर ऑन अ मेजर पार्ट. But let's start with the type 1 of our chemical reaction, that is combination reaction. So combination reaction, so basically these are the type 5 types: combination, decomposition, displacement, double displacement, oxidation and reduction reaction. हम इनको one by one करके देखने वाले हैं, but हम इस वीडियो में first type की chemical reaction देखने वाले हैं, that is कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके नाम से क्या क्या पता लग रहा है कि कोई चीज कंबाइन करके कुछ बना रही है. ठीक है, तो दैट मींस कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं. ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म वन सिंगल न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, जैसे आप देखिए इसमें देखिए CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, सॉरी वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके या वाटर की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम भी बोला जाता है. ठीक है, तो जब आप इस बीकर में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हमने वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला या जब ये दोनों की रिएक्शन हुई क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, दैट इज स्लेक लाइन बीकर के अंदर फॉर्म हो जाएगा. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, बट इसके साथ साथ कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीजिंग, इसके साथ साथ हीट भी बन रही है. ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स. तो कैल्शियम कार्बोनेट जब फॉर्म हो जाता है, वाइट वॉशिंग जब करते हैं और दो तीन दिन के बाद आपके घरों में व्हाइट वॉश होता है, व्हाइट वॉश होता है वॉल्स के ऊपर, तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है और वो दो तीन दिन के बाद एक शाइनी सा फिनिश देता है. ठीक है, तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3. सो दिस इज जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके NCERT में लिखी हुई थी, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी. बट क्या कॉम्बिनेशन अगर रिएक्शन की बात करें तो वो रिएक्शन होती है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ देखिए हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, अमोनिया. तो दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर. यहाँ देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट. सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग फ्रॉम द टू रिएक्टेंट्स. कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है. सो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, सारी कौन सी रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, राइट. तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है. सो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ कि जब कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में
कुछ रिएक्टेंट्स कंबाइन करके जब प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, सो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के साथ साथ हीट का भी रिलीज होना, हीट भी बन जाती है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि पिछली रिएक्शन में कि हीट भी फॉर्म हो रही थी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट भी रिलीज आउट हो रही थी। तो जब हीट रिलीज आउट होती है, यानी कि हीट का रिलीज होना रिएक्शन में, हीट का बनना, इसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक। थर्मिक मीन्स हीट और बाहर रिलीज होना, यानी कि एक्सो, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन उसको बोला जाता है। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, साथ में एनर्जी भी रिलीज आउट कर देते हैं। जैसे कि आयरन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, साथ में वो हीट भी रिलीज आउट कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद आप बात करें आइस क्यूब्स की फॉर्मेशन, जब आइस क्यूब्स बनती हैं, ठीक है, तब भी हीट रिलीज आउट होती है, ठीक है। नेचुरल गैस की बर्निंग, यहाँ पे आप देखिए जब आप वुड को बर्न करते हैं तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है। जब आप गैस स्टोव पे गैस बर्न करते हैं, गैस बर्नर को यूज करते हैं, तो हीट रिलीज होती है। कैंडल का बर्न होना इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी रिलीज आउट हो रही है, वो सारी की सारी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वेजिटेबल मैटर्स का कंपोज बन जाना, ठीक है, मैन्योर बन जाना, उसको भी हीट रिलीज होती है उसमें। सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो जितनी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या है? एंडो मीन्स हीट का यूज होना, एंडो मीन्स अंदर, थर्मिक मीन्स हीट। तो जिस रिएक्शन में हीट का यूज हो रहा है, ठीक है, एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी यूज हो रही है और वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यानी कि हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। जिसमें रिलीज हो रही है वो एक्सो है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो एंडो है। अब डाइजेशन में, जब हम खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें फूड को ब्रेक डाउन होना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, ताकि बॉडी उसको डाइजेस्ट इजिली कर पाए, तो वो क्या होती है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि उसके अंदर हमारी एनर्जी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है तो फूड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, ठीक है। जैसे कि राइस हो गया, पोटैटोज हो गए, ब्रेड हो गए, इन सबके अंदर क्या होता है, इसलिए कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जिसे बोला जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स जब स्मॉलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस क्या होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ फ्यूल फॉर अवर बॉडी, ठीक है, जो हमें हर चीज के लिए चाहिए। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो उस, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। सो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, अब वो एनर्जी को, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनने के लिए भी एनर्जी यूज होती है, और उस चीज को हम लोग एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस, खाना बनना, ठीक है, प्लांट्स के द्वारा जो खाना बनाया जाता है उसमें भी एनर्जी यूज होती है, सो दैट इज फॉर एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। पानी का इवेपोरेट होना, आइस को जब हम मेल्ट कर देते हैं, आइस को जब हम मेल्ट कर रहे हैं उसको हम एनर्जी दे रहे हैं, सो दैट इज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। फ्राई कर रहे हैं हम एग्स को, ब्रेड्स को बेक कर रहे हैं, ठीक है, सो दीज आर ऑल एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जिसमें एनर्जी हमारी यूज हो रही है। जिसमें रिलीज हो रही है वो होती है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो अगर आप इसको कंपैरिजन में देखें, तो इस वाले पिक्चर में, आप इस फर्स्ट फिगर में देखिए, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसमें हीट रिलीज आउट हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीजिंग फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ रिलीज आउट हो रही है, सो दैट इज एक्सो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, अब देखिए अंदर की साइड सिंबल्स बने हुए हैं, यानी कि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सो दिस इज एंडो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने अभी तक कौन सी रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके फर्दर पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मल डीकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. सो थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विद यू. And if you guys have any doubt, you can comment me in the comment box. I'll get back to you as soon as possible. And please press the like button if you like this video and share this with your friends so everybody can get benefited from this video. And don't forget to subscribe my channel by pressing the bell icon. Thank you. Bye-bye. Till then, take care. See you in the next video.